प्रोजेक्टाइल गिवन अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर हम अब मैथमेटिकली इस कॉन्सेप्ट को लगाने जा रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है और क्वेश्चन आता है शो दैट पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। मैथमेटिकली प्रूव करो कि जब आप एक टॉप ऑफ द टावर से किसी पत्थर को फेंकते हो, प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो विद द वेलोसिटी ऑफ यू, तो वो पैराबोला ही फॉलो करेगी। आपको दिख तो रहा है पैराबोला? नहीं, मैथ्स नहीं मानता ना दिख रहा है, वो कहता है मैथमेटिकली प्रूव करो ये पैराबोला है। तो लेट अस सपोज ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया, ये बताओ कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया तो वाई एक्सिस, जब मैं बोल रहा हूं वाई एक्सिस तो आपने वाई को ही देखना है, वाई एक्सिस में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर की? वाई एक्सिस में वाई नीचे आ गया तो वाई, यहां से यहां आने में एक्स एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई? एक्स। तो साइमल्टेनियसली दो कवर हो रही है, वाई में भी हो रही है और एक्स में भी हो रही है, कोई डाउट इसमें? नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई? नेट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो यही है। हाँ, एक्चुअल तो यही है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक कर रहा हूं दो पार्ट में, वाई में अलग और एक्स में अलग, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि इस क्वेश्चन के अंदर y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई, तो आपने बोलना है y, आपने सिर्फ y को देखना है। y एक्सिस की जर्नी में प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन कितनी है? g 9.8। y एक्सिस में जब ये बॉडी चली तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, क्योंकि मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फेंका था, वर्टिकल तो फेंका नहीं था। y एक्सिस में यहां से यहां आने में आपके पास स्टॉप वॉच थी, आपने ऑन की, यहां आने में टाइम लगा t, तो y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट y कवर हुई उसका टाइम टेकन क्या है? t, राइट। अब चलो y एक्सिस छोड़ दो, x पे आ जाओ। जब ये बॉडी यहां से यहां आई, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या कवर हुई? x। x एक्सिस में वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। कितनी? u, तो चेंज ही नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? x डिस्प्लेसमेंट कितने समय में कवर हुई? t। वो क्यों? क्योंकि जब बॉडी यहां से चली थी और यहां पर आई थी तो आपने स्टॉप वॉच ऑन की थी, तो पूरी नीचे गिरने का टाइम क्या था? t। अब t टाइम में बॉडी ने दो डिस्प्लेसमेंट्स कवर किए हैं, एक y में और एक x में, तो टाइम टेकन दोनों का विल रिमेन सेम क्योंकि साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रही है। क्लियर है? बस इतना ही चाहिए हमें। अब क्या करेंगे, जब मैं कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लगाऊंगा तो पहले हेडिंग डालूंगा, मैं x में लगा रहा हूं या मैं y में। देखो 2D मोशन है, 1D और 1D का कॉम्बिनेशन है, आप दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने सबसे पहले हेडिंग लिखी x एक्सिस, अब हर चीज में किस में देखूंगा? अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के अंदर वेलोसिटी क्या है? कॉन्स्टेंट, राइट। x एक्सिस में जब मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक ही क्वेश्चन एप्लीकेबल है, s इक्वल टू vt, लिख दिया, मोशन काम आ रहा है देखो। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट करेंगे? x। वेलोसिटी कितनी है बॉडी की हर वक्त? u। और टाइम टेकन कितना है? t। तो यहां से t आ गया, पहला स्टेप क्लियर है। अब यही चीज मैं किस में लगाऊंगा? y एक्सिस में। y एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, y एक्सिस की वेलोसिटी क्या है? जीरो। मैं फिर से लगा रहा हूं, फिर से बॉडी को गिर रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या नीचे की तरफ? प्लस जी। डिस्प्लेसमेंट क्या नीचे की तरफ? वाई। और टाइम टेकन तो टी है। तो वाई एक्सिस में इक्वेशन लगाओ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट वाई है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ इसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वाई की टर्म चाहिए इसमें हमें, ये बात समझ में आ रही है? हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यहां से हाफ जी यू टू यू स्क्वायर कॉमन आ गया, ये सब कांस्टेंट है, के लिख लो चाहे, और वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। मैथ के अंदर अगर वाई एक्स के प्रोपोर्शनल है, दोनों की डिग्री वन वन है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, और अगर मैथ में वाई और एक्स की डिग्री एक वन है और एक टू है तो ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला बनता है। तो इसमें वन और टू है,
तो इट इज पैराबोलिक इन नेचर, ये प्रूफ हो गया। अगर पेपर में आएगा शो दैट पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक इन नेचर, आप ये कर सकते हो। अगर टॉप ऑफ द टावर से आपने एक बॉल को फेंका या प्रोजेक्टाइल को फेंका, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे वो क्या पूछ ले, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब उड़ने का टाइम, कि जब ये बॉडी यहां पर आई, यहां से चली और यहां पर आई, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो आप प्लेन में बैठे, प्लेन में जब उड़ने लगता है वो पायलट आर्मी और पायलट नाम बताता है, उसके बाद फिर पता नहीं क्या दो चार लाइनें बोलता है, और फिर उसके बाद क्या कहता है कि ये जो विमान है इतने बजे चलेगा, 2 घंटे 30 मिनट में हम बैंगलोर पहुंचेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, उड़ने का और लैंड करने का टाइम, भैया टाइम ऑफ फ्लाइट है। प्लेन उड़ा, 2 घंटे 30 मिनट हवा में रहेगा, फिर नीचे लैंड कर जाएगा। ये नहीं है कि आप वो बैठे हो प्लेन में, बैठे हो उतरने के बाद भी, वो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, उड़ने का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां आने का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो एक काम करते हैं, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वाई। मान लो बॉडी नीचे गिरती है, पूरी जर्नी का टाइम क्या है, कैपिटल टी, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस में, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन है, और जब एक्सेलेरेशन है तो कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स एक्सिस में एक ही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। तो इसमें ये इक्वेशन यूज की, y इज 0 प्लस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, सॉल्व करके कैपिटल टी आ गया, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर पेपर में आ जाए टावर है, टावर के हॉरिजॉन्टल से हमने एक बॉल को फेंका, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने ये फॉर्मूला याद नहीं किया, जब पेपर में आता है ये क्वेश्चन, मुझे हाइट गिवन होती है टावर की, तो मैं सीधा कुछ नहीं करता, मैं अप्लाई कर लेता हूं, y s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s गिवन होता है, u जीरो होता है, टाइम निकालने आंसर आ जाएगा। तो याद क्या करना हो तो क्लियर ही है, तो आप भी याद ना करें मेरे हिसाब से, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर तीसरी चीज हमें निकालनी होती है रेंज, रेंज समझते हो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, जमीन का डिस्टेंस कवर्ड। इंडिया ने, डीआरडीओ ने एक मिसाइल का टेस्ट किया, सफल परीक्षण किया ऐसे न्यूज में बोलते हैं, और जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, ये दुश्मन को वार करती है ऐसे वो टीवी न्यूज एंकर बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, और ये तबाह कर देगी, 3000 किलोमीटर तक कोई दुश्मन बच नहीं पाएगा। भैया ग्राउंड पे रहते हैं दुश्मन, तो आप चंडीगढ़ से चलाओगे ना तो बैंगलोर से ज़्यादा दूर जाके गिरेगी मिसाइल, 2500-3000 किलोमीटर दूर जाके गिरेगी नीचे, मतलब उसके रास्ते में उस 3000 किलोमीटर में कहीं पर भी दुश्मन को घेरना है, कहीं पर भी घेर दो तो एंगल चेंज करना है मिसाइल का, और जो है इतनी रेंज है मिसाइल्स की, तो मतलब यहाँ बैठ के वो पूरा इतनी दूर जाके गिर सकती है, तो क्या कमाल की चीज़ है। तो वो रेंज है, जमीन का डिस्टेंस, हवा का डिस्टेंस नहीं है। ऊंचाई का क्या करना है मिसाइल का, मैं कहता हूँ चाहे 5 किलोमीटर ऊपर जाए हमें क्या लेना, जमीन पे गिरनी चाहिए। एक्स एक्सिस रेंज हमेशा एक्स के अलावा मेजर होती है, वाई में रेंज ही नहीं होती कभी। तो ये देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड इज रेंज। तो यहां पर इस डायग्राम में रेंज क्या है, एक्स, एक्स रेंज है इसकी, ये मुझे निकालनी है। और रेंज को कई बार किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। अब मुझे ये बताओ, रेंज वाई एक्सिस में होती है कि एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में होती है, ग्राउंड पे होती है, तो इक्वेशन वाई में लगेगी कि एक्स में, एक्स में, तो इक्वेशन एक्स में लगाओ, एक्स में इक्वेशन ही एक लगती है क्योंकि वेलोसिटी एक्स में हमेशा कांस्टेंट है, तो कौन सी लगती है, एस इज इक्वल टू वी टी, एक्स की जगह आर, वेलोसिटी तो वैसे ही कांस्टेंट है यू, और टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में वाई भी कवर हुआ और एक्स भी कवर हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो ऊपर से यहां पुट करके क्या आ गई, रेंज की वैल्यू। याद नहीं करनी, जरूरत नहीं याद करने की, जब पेपर में आएगा तो y एक्सिस में लगा लेंगे s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां से टाइम आ जाएगा। x एक्सिस में लगा लेंगे s इज इक्वल टू vt, उस टाइम को यहां पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, मैंने ये कोई फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ, लेकिन अगर थ्योरी में एनसीईआरटी में आता है स्कूल में कि रेंज निकाल के दिखाओ, तो कम से कम पता हो कि थ्योरी में क्या लिखना है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?